नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के भिखारियों के लिए 13 जिलों में जल्द सेवा व शांति कुटीर की शुरुआत होगी। बिहार बोर्ड डीएलएड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी। निकाय चुनाव में वोटों की गणना के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन। हार के बाद कप्तान रोहित का चौंकाने वाला बयान। संदिग्ध आचरण वाले पुलिस कर्मियों को लेकर पुलिस मुख्यालय हुआ सख्त। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के भिखारियों के लिए 13 जिलों में जल्द सेवा व शांति कुटीर की होगी शुरुआत। बिहार में अब कोई भी भिखारी भीख नहीं बल्कि खुद कुछ करके अपना जीवन यापन कर सके, इसके लिए समाज कल्याण विभाग बिहार में भीख मांगने की प्रथा के उन्मूलन के लिए सतत काम कर रही है। विभाग के मुताबिक बिहार में अभी तक 14,000 भिखारियों को आधार से जोड़ा गया है। वहीं 207 भिखारियों को स्वावलंबन योजना से जोड़ा गया है और इन्हें 10,000 रुपये देकर रोजगार शुरू कराया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण अभियान के तहत अब 13 जिलों में जल्द सेवा व शांति कुटीर की शुरुआत होगी, जहां शारीरिक रूप से विकलांग व घर से निकाले गए लावारिस भिखारियों को मुफ्त में रहना, खाना व चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग मंत्री मदन सैनी ने बताया कि जागरूक करने के लिए हर स्तर पर इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इन जिलों में आज जमकर बरसा बदरा। बिहार में इन दिनों मॉनसून मेहरबान है। इस बीच राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू है और बारिश का सिलसिला पूरे सितंबर महीने जारी रहने की संभावना है। वहीं आज की बात करें तो राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश देखने को मिली। सुबह राजधानी पटना में अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर बारिश के बौछारों ने राजधानी वासियों को भिगोया। वहीं भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले में आज एक या दो जगहों पर बारिश देखने को मिली है। डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई खत्म। पिछले 10 दिनों के लंबे समय के बाद आखिरकार आज से पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों ने अपना हड़ताल खत्म कर दिया है। दरअसल बीते दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ 11 सूत्री मांगों पर बातचीत होने के बाद मंगलवार को नगर निकाय कर्मियों ने हड़ताल स्थगित कर दी। दरअसल उप मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों की मांगों पर आश्वासन दिया है। आश्वासन मिलने के बाद बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा व बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि उनके हस्तक्षेप के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई है। हड़ताल स्थगित होने के साथ ही शहरों में सफाई का काम शुरू हो गया है। शहर के चौक चौराहों पर लगे कूड़े के अंबार को सुबह सुबह हटाया गया। बिहार बोर्ड डीएलएड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड हुआ जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 14 सितंबर से शुरू होगी, जो कि 20 सितंबर तक 3 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले सेंटर पर प्रवेश लेना होगा। इसके साथ ही एडमिट कार्ड संबंधित कोई शिकायत होने पर bsceb.helpdesk@cbtexam.in से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर उपलब्ध नंबर पर भी आप कॉल करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। निकाय चुनाव में वोटों की गणना के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी की गाइडलाइन। निकाय चुनाव में इस बार काफी विलंब हो चुका है, हालांकि चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब तक यह सूचना सामने आई थी कि बिहार में निकाय चुनाव 2 चरणों में किए जाएंगे, लेकिन अब जो अपडेट सामने आ रही है उनके अनुसार चुनाव के बाद वोटों की काउंटिंग अधिकतम 11 चरणों में पूरी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार बूथों की संख्या एवं चक्र को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक हॉल में टेबल की संख्या 5, 10 या 14 आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जा सकती है। बीते दिन मंगलवार को आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी नगरपालिका को निर्देशन जारी कर दिया है। जीआईएस मैपिंग व प्रॉपर्टी सर्वे के लिए विभाग ने की एक्सपोर्ट एजेंसी की तलाश शुरू। बिहार के कुल 62 नए शहरों की जीआईएस मैपिंग और प्रॉपर्टी सर्वे की जाएगी। इसके लिए भूमि राजस्व विभाग ने एक्सपोर्ट एजेंसी की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए इच्छुक एजेंसियां 21 सितंबर तक आवेदन दे सकती हैं। इससे पहले 8 सितंबर को विभाग में प्री बिड मीटिंग का आयोजन भी किया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक शहरों की जीआईएस मैपिंग होने से वहां उपलब्ध संपत्ति का पूरा लेखा जोखा अपडेट और डिजिटलाइज हो सकेगा। इससे शहरी निकायों को ई रजिस्टर बनाने व उसे लागू करने में आसानी होगी। जमीन और प्रॉपर्टी की वास्तविक स्थिति पता चल सकेगी। मिली जानकारी के अनुसार इन 62 शहरों की जीआईएस मैपिंग और प्रॉपर्टी सर्वे 11 समूह बनाकर किया जाएगा। हर समूह में 4 से 7 शहर रखे जाएंगे। संदिग्ध आचरण वाले पुलिस कर्मियों को लेकर पुलिस मुख्यालय हुआ सख्त। पुलिस मुख्यालय बिहार में पुलिस कर्मियों से जुड़े अहम फैसले लेने जा रही है। इस कड़ी में बिहार के दागी और संदिग्ध आचरण वाले पुलिस कर्मियों को लेकर मुख्यालय अब सख्त हो गया है और इसी के साथ संदिग्ध आचरण वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को फील्ड से हटाने का निर्देश दिया है। दरअसल बीते दिन मंगलवार को पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस बाबत दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार ने यह आदेश सभी जिला और रेंज के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिया है। हालांकि यह ऑपरेशन क्लीनअप कब और किस स्तर के अधिकारियों के लिए होगा, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। मिथिला सप्त क्रांति अवध सहित 16 ट्रेनों का परिचालन इस दिन तक रहेगा बाधित। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मिथिला सप्त क्रांति अवध सहित कुल 16 ट्रेनों का परिचालन आगामी 14 सितंबर तक प्रभावित रहेगी। दरअसल मुजफ्फरपुर सुगौली दोहरीकरण परियोजना के अंतर्गत महवल चकिया रेलखंड का दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका है। इसके कमीशनिंग के लिए महवल मेहसी चकिया स्टेशनों पर 8 से 11 सितंबर तक प्री NI एवं 12 से 14 सितंबर तक NI वर्क किया जाना है। इसको देखते हुए रेलखंड से गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। इसमें 6 जोड़ी ट्रेनों का आंशिक समापन और प्रारंभ होगा। वहीं 16 ट्रेनों को मार्ग बदल कर चलाए जाने का फैसला लिया गया है। साथ ही 4-4 ट्रेन को पुनर्निर्धारित और नियंत्रण में चलाने का निर्णय रेलवे ने लिया है। यह जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। हालांकि यह संक्षिप्त जानकारी है। विस्तृत जानकारी के लिए आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। 2019 चुनाव में हारी गई सीटों को जीतने के लिए भाजपा की रणनीति। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी वक्त है, लेकिन देश भर की तमाम राजनीतिक पार्टियां अभी से ही सियासी दाव पेच में लग गई हैं। एक और जहां नीतीश कुमार दिल्ली में तमाम विपक्षी पार्टियों को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने में लगी है, वहीं भाजपा भी अपने स्तर पर चुनावी रणनीतियां बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीते दिन मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा के बड़े नेताओं की बैठक हुई। इसमें 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी गई सीट पर रणनीति बनाने के लिए चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बैठक में उन 144 लोकसभा सीट को जीतने की रणनीति तैयार की गई है जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में मामूली अंतर से चूक गई थी, या इनमें वो निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे या तीसरे स्थान पर रह गई थी या जिन पर उसने कभी जीत दर्ज नहीं की हो। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम को धार देने के लिए इस दिन एकजुट होंगे विपक्षी। भाजपा को केंद्र से उखाड़ फेंकने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया हुआ है। इस मुहिम को धार देने के लिए विपक्षी पार्टियां आगामी 25 सितंबर को हरियाणा में जुटेंगे। दरअसल चौधरी देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद जिले में होने वाली रैली में विपक्ष के कई बड़े नेता दिखेंगे। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार और ममता बनर्जी शामिल हो सकती हैं। इस दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मिली जानकारी के अनुसार देवीलाल की जयंती पर होने वाली समान दिवस रैली के लिए ओपी चौटाला, स्वयं चंद्र बाबू नायडू, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी को भी निजी तौर पर मिलकर न्योता देंगे। क्या प्रधानमंत्री के हनुमान की होगी घर वापसी? बिहार में चल रहे सियासी घमासान के बीच ये खबर आ रही है कि चिराग पासवान की NDA में वापसी होने जा रही है। हालांकि राजनीति में कुछ भी पहले से सुनिश्चित करना गलत होगा। एक और जहां भाजपा की केंद्र सरकार को लोकसभा 2024 चुनाव में सत्ता से बाहर करने के लिए नीतीश सरकार एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है, इसके लिए नीतीश कुमार 3 दिनों से दिल्ली दौरे पर हैं और विपक्षी पार्टियों को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने में लगे हैं। इस बीच मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। बताते चले कि पिछले कुछ समय से चिराग पासवान के NDA में वापसी के संकेत भी मिल रहे थे, वह NDA की बैठकों में शामिल हो रहे थे। वहीं अब खबर है कि चिराग को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। आज विपक्ष के इन नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज दिल्ली में तीसरा दिन है विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ एकजुट करने में। पिछले 3 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं। इस दौरान नीतीश कुमार राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं से अलग अलग समय पर मुलाकात कर चुके हैं। वहीं आज दौरे के
आखिरी दिन नीतीश कुमार विपक्ष के और भी कई नेताओं से मिल रहे हैं। नीतीश सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात के बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार के साथ बैठक की। वहीं इसके बाद नीतीश कुमार का भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। जानकारी के मुताबिक शाम 5:15 बजे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और शाम 6:15 बजे उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ से मिलेंगे। अस्पतालों का निरीक्षण करने आधी रात को पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार के डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव बीते मंगलवार की आधी रात के वक्त राजधानी पटना के सरकारी अस्पताल पहुंचे। अपनी पहचान को कुछ हद तक मास्क से छुपाकर तेजस्वी यादव ने राजधानी के 3 अस्पतालों का निरीक्षण किया। इनमें पीएमसीएच भी शामिल था, लेकिन बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक पीएमसीएच की व्यवस्था देखकर स्वास्थ्य मंत्री भौचक रह गए। मरीज और स्वजनों ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। वहां न सीनियर डॉक्टर थे, न कर्मी और न दवाएं। इस पर उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की, कहा कि इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले तेजस्वी दो दूसरे अस्पताल न्यू गार्डनर रोड अस्पताल व गर्दनी बाग अस्पताल का भी निरीक्षण करने गए। हार के बाद कप्तान रोहित का चौंकाने वाला बयान। रोहित शर्मा और उनकी टीम का 8वीं बार एशिया कप जीतने का सपना धड़ा का धड़ा रह गया, जब श्रीलंका ने उन्हें सुपर फोर के अहम मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया। ग्रुप स्टेज में अपने दोनों मुकाबले जीतकर भारत ने सुपर 4 में क्वालिफाई किया, लेकिन अब इस स्टेज में दोनों मैच हार कर टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ी है। हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा बेहद निराश नजर आए। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में रोहित ने कहा कि 2 मैच एक के बाद एक हारने के बाद हम चिंतित नहीं हैं। हमने 2021 T20 विश्व कप के बाद इतने मैच जीते हैं, हम 90% सेटल हैं, केवल कुछ बदलाव होंगे। हमारे पास कोई कमी नहीं है, टीम में गुणवत्ता है। द्विपक्षीय श्रृंखला की तुलना में बहुराष्ट्र श्रृंखला में अधिक दबाव है, हमने इस पर चर्चा की है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम T20 विश्व कप के ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ सके और अब हम एशिया कप सुपर 4 में 2 मैच हार गए। देश भर में आए 10,000 से भी कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी बुधवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 5,379 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 90 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 40 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 1,24,696 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहाँ 146 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बाबूलाल मरांडी, रंजीत मिश्रा, रंजन कुमार, मुटुर रंगीला, शंकर मुखिया, नीतीश कुमार, सुदर्शन कुमार, पवन सिंह, मोहम्मद रजा, मंतोष कुमार, आयुष भारद्वाज, भगवान मिश्रा और मनीष कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार आखिरकार किस वजह से भारतीय टीम एशिया कप से बाहर होने के कगार पर खड़ी है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।